नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं न्यूली लिस्टेड आईपीओ आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी के बारे में। कंटिन्यूअसली इस स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड दिखा है, जहां इसका लिस्टिंग प्राइस 720 के आसपास था और लगभग मात्र 12 दिन में ये स्टॉक 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो कैसा रहा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है या नहीं लगता है, इसमें होल्ड या फिर नया बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर्सनली गिरने का सबसे बड़ा कारण जो मुझे ये लगता है कि ये ऑफर फॉर सेल 100% रहा था, जिसके कारण इस स्टॉक में वॉल्यूम बनते हुए नहीं दिख रहा है। साथ में ही बात करें अगर इस कंपनी के रिजल्ट की, तो रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा, जहां रेवेन्यू 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखी और साथ में ही डिविडेंड भी 5.60 रुपया का देखने को मिला है। टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं लग रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है और एक सपोर्ट जो है वो इस स्टॉक के अंदर बनते हुए नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम बहुत कम है जिसके कारण ये स्टॉक कंटिन्यूअसली गिर रहा है, लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ROC ROE 30 के अबव है और लगभग 6 से 8 महीने के बाद ये स्टॉक का प्राइस 1200 से 1400 का प्राइस ट्रेड होते हुए इस मार्केट में जरूर दिखेगा। इसीलिए घबराने की बात नहीं है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर ये स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है, जहां फंडामेंटली इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अगर कंपेरेटिवली इसके पेयर्स में देखें तो। हमने ऐसे ही हालत जो है इससे पहले एंजल ब्रोकिंग में भी देखा था, यूटीआई एएमसी में भी देखा था, लेकिन होता यह है उसके बाद जब ये कमबैक लेगा तो बहुत स्ट्रॉन्गली कमबैक इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। इस समय भी इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 83 से 85% के आसपास की है और FIDI सबको मिला करके और जो इंस्टीट्यूशनल बाय है टोटल मिलाकर के 15% के आसपास है, जिस कारण से इस स्टॉक के अंदर ज्यादा वोलेटिलिटी भी देखने को नहीं मिल रही है। साथ में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं दिवाली बोनस में मल्टीबैगर 5 स्टॉक में आपसे साझा करूं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नमस्कार।